नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्डी स्टैक में। दोस्तों आज के स्टूडियो में आपको KWS वाले एक्सटेंशन जो कि एक रैनसमवेयर एक्सटेंशन है उसको डिक्रिप्ट करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक जो है कुछ आपका इस तरह का रहने वाला है। ये देखिए कुछ आपका लिंक जो है वो इस तरह का रहने वाला, ठीक है। आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस जो है कुछ इस तरीके का खुल जाने वाला है, ठीक है, कि फ्री इंस्टॉल, विल अनइंस्टॉल, व्हाट अदर कांट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस वेबसाइट की खासियत ये है कि ये सीधा जो है कट टू कट बात करती है, ठीक है। थोड़ा सा आपको आना है नीचे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आपके अगर इस वायरस से आप भी ये इनक्रिप्टेड हो तो आपको कुछ रीडमी फाइल करके इसी तरह के कुछ आपको आ रहे होंगे। ये हमको बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि ये आपको फर्स्ट में ही दे दिए गए हैं कि आप यहाँ से कुछ जो है कुछ आइडिया लगा सकें कि आपका किस तरह आ रहा होगा, किस तरह नहीं आ रहा होगा, यहाँ से आप जो है आइडिया कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आना है दोस्तों थोड़ा सा नीचे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप KWS रैनसमवेयर के बारे में कुछ यहाँ पे जान सकते हैं अगर आप जानना चाहें तो। और उसके नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिए स्टॉप या फिर डीजे व्यू फैमिली रैनसमवेयर ग्रुप, तो यहाँ पे कैसे जो है आप ये जो है स्टॉप कर सकते हैं वो यहाँ पे पढ़ के जो है पूरी तरीके से आप यहाँ पे ज्ञान प्राप्त थोड़ा सा कर सकते हैं। और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि $980 से यहाँ देखिए, ये देखिए प्राइस ऑफ प्राइवेट की एंड डिक्रिप्ट सॉफ्टवेयर इज $980, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको आना है थोड़ा सा नीचे, ऊपर नहीं जाना है, आपको आना है थोड़ा सा यहाँ पे नीचे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप जो है इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो आपका अभी कुछ फाइल जो है वो देखिए यहाँ पे .KWS करके जो है ये आपका भी आ गया होगा दोस्तों, ठीक है, अगर आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हो। और दोस्तों अगर आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हो तो आपको कुछ अजीब तरीके की चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि फेक जो है वो विंडो अपडेट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परसेंटेज कंप्लीटेड यहाँ पे अभी 13% है। तो इसी तरह के कुछ जो है आपको भी देखने को यहाँ पे मिल जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हाउ KWS रैनसमवेयर गेट ऑन माई कंप्यूटर, तो यहाँ पे जो है कैसे जो है KWS रैनसमवेयर आपके कंप्यूटर में गया, तो वो यहाँ पे कुछ आप पढ़ सकते हैं। और उसके नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आप जो है यहाँ पे क्या है कि हाउ टू रिमूव KWS रैनसमवेयर, आप कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड सॉल्यूशन भी आपको बताया गया है कि आपको जो है ये वाला जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड नॉर्टन करके, तो ये वाला जो है आपको यहाँ पे रेड में जो है यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे उसके ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्टन इज ए पावरफुल रिमूवल टूल, इट कैन डिटेक्ट एंड रिमूव ऑल इंस्टेंस ऑफ न्यूएस्ट वर्जन वायरसेस पॉपअप्स रैनसमवेयर ऑफ और जो है ट्रोजन, ठीक है। तो ये जो है पूरी तरीके से जो क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगी, मीन्स ये वाला जो आप डाउनलोड करेंगे तो इससे जितने भी जो है आपके कंप्यूटर में जो भी आपके रैनसमवेयर हैं KWS वाले, तो वो आपको ख़त्म हो जाने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। उसके नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए डिक्रिप्शन करने का तरीका है, ये देखिए एमीसॉफ्ट डिक्रिप्टर से। तो दोस्तों इसको भी मैं जो है आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे करते हैं। उससे पहले जो है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, आप यहाँ देखिए एमीसॉफ्ट डिक्रिप्शन टूल यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इस लिंक पे आपको करना है क्लिक ऐसे करके। और यहाँ पे जो है आपको जो है ये एमसीसॉफ्ट डिक्रिप्शन टूल यहाँ पे आपको ये देखिए आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है। उसके नीचे आते हैं दोस्तों तो यहाँ देखिए ये तो बात हो गई दोस्तों कि इनक्रिप्टेड डाटा जो है उसको डिक्रिप्टेड कैसे करना है, और उसके ऊपर क्या मैंने बताया, ये देखिए नॉर्टन को डाउनलोड करके जो भी आपका वायरसेस है वो आप जो है ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप दोस्तों ये देखिए एक न्यू जो है एक आया है डाउनलोड स्टेलर डाटा रिकवरी, आप इससे भी दोस्तों रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आप डिक्रिप्शन कर सकते हैं लेकिन आपका फाइल जो डिलीट हो गया है उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए जो है दोस्तों आपको ये वाला जो है ऐप जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड ये जो है स्टेलर डाटा रिकवरी यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये वाला ऐप जो है आपको डिलीट कर देना है, सॉरी इंस्टॉल जो है आपको कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए आपको बस वही जैसे आपको करना है बस रन कर देना है इसको,
और जैसे ही आप यहाँ पे रन करेंगे तो आपका कुछ जो है इस तरीके का इंटरफेस आपको आपका जो है खुल के आ जाने वाला है स्टेलर डाटा रिकवरी का। और दोस्तों यहाँ पे आपको कर लेना है सेलेक्ट, जो भी आपको रिकवर करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट पूरा फोल्डर आपको आपका जो है जिस भी ये में जो है रैंसमवेयर का आपको लग रहा है कि इसमें अटैक हुआ है तो उसको आपको सारे को सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आना है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो भी लोकेशन है, जो भी आपका सेलेक्ट लोकेशन है, जहाँ भी आप जो है अपना डाटा जो भी आप रिकवर हो के आप रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो आपको लोकेशन यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है अनटाइटल्ड आई जो है यहाँ पे देखिए टिक लगा हुआ है, तो दोस्तों मैं जो है मीन्स यहाँ जो है ये अनटाइटल्ड आई में जो है यहाँ पे रिकवर करना चाह रहा है ये बंदा। तो आपको भी जिसमें भी करना है आप उसको चूज करके यहाँ पे स्कैन पे क्लिक नीचे यहाँ पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका यहाँ पे पूरा आ जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे आपको जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको लाना है, और यहाँ पे रिकवर के बटन पे नीचे में क्लिक कर देना है, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए कि आफ्टर दिस सेलेक्ट द डिस्टिंक्शन एंड क्लिक स्टार्ट सेविंग टू सेव रिस्टोर डाटा, ठीक है, जो भी आपका रिस्टोर हो रहा है डाटा तो उसको सेव करने यहाँ पे स्टार्ट हो जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेथड टू क्या है कि रिस्टोर द सिस्टम यूजिंग सिस्टम रिस्टोर। सिस्टम रिस्टोर से जो है कैसे जो है आप अपना डाटा को जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपका विंडो 7 है तो आपको यहाँ पे ये देखिए आपको जो है जो भी आपका विंडो 7 अगर है तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट से जो है आपको अपना पीसी को सेफ मोड में ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ मोड में ऑन करने के लिए ये देखिए यहाँ पे रिस्टार्ट योर कंप्यूटर बिफोर योर सिस्टम स्टार्ट हिट F8 जो है वो सेवरल टाइम्स आपको प्रेस करते रहना है। और जैसे ये प्रेस जो है हो गए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवांस बूट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको चूज करके और यहाँ पे सेफ मोड विथ कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो है नीचे करके इंटर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसा यहाँ पे स्क्रीनशॉट में जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे फॉर विंडोज़ 8-10 यूजर्स, आपका यदि ये 8 या फिर 10 यूजर हैं तो आपको यहाँ देख सकते हैं कि स्टार्ट बटन पे, सेटिंग के बटन पे, उसके बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी पे, रिकवर पे, उसके बाद रिस्टार्ट नाउ पे, और उसके बाद रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए F5 के बटन को क्लिक करना है, उसके बाद इनेबल सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके जो है बताए गए हैं कि आपका पीसी जो है आप किस तरीके से आप जो है सेफ मोड में ये जो है ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेफ मोड में ऑन करने के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ पे देखिए आप जैसे आपका जैसे ही यहाँ देखिए आफ्टर द सिस्टम इज लोडेड इन सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट डू फॉलोइंग, आपको करना क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या करना होता है। यहाँ देखिए इन द कमांड प्रॉम्प्ट टाइप CD रिस्टोर एंड हिट इंटर, यहाँ देखिए आपको CD रिस्टोर जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आपको भी लिखना है और इंटर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए उसके बाद क्या करना है CD रिस्टोर के बाद ये देखिए RSTRUI.exe करके जो है आपको लिखना है, उसके बाद जो है ये आपको इंटर मार देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है ये देखिए आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका कुछ इंटरफेस इस तरह का खुल के आ जाता है, और यहाँ पे ये वाला जो है सेलेक्ट करके यहाँ जो है ऑटोमेटिक रिस्टोर पॉइंट पे ये वाला सेलेक्ट करके और नीचे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वंस स्टार्टेड सिस्टम रिस्टोर कांट बी इंटरप्टेड डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है पूरा डेटा जो है यहाँ पे मैंने जो शुरू से जो बताया हुआ है कि कैसे जो है कमांड प्रॉम्प्ट से जो है कर सकते हैं तो वो यहाँ पे आपका पूरी तरीके से हो जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपका सिस्टम जो है वो रिस्टोर हो जाने वाला है, ठीक है, क्या चीज़ से, सिस्टम रिस्टोर से, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया मेथड टू, और मेथड थर्ड क्या है यहाँ पे दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ। मेथड थर्ड ये देखिए मेथड थर्ड जो है एक मिनट ये देखिए मेथड टू है दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आएंगे तो ये मेथड थर्ड ही है दोस्तों, यहाँ पे सॉरी गलती से जो है यहाँ पे मेथड फोर लिखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखें दोस्तों, तो यहाँ पे रोल द फाइल बैक टू द प्रीवियस वर्जन, ठीक है। प्रीवियस वर्जन में आपको यहाँ पे करना है मीन्स प्रीवियस वर्जन कैन बी कॉपीज ऑफ द फाइल्स एंड फोल्डर, जो भी यहाँ पे आपको परेशानी होती है तो यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हैं दोस्तों कि आपको क्या चीज़ से परेशानी हो रही है। और यहाँ पे देखिए ये देखिए
क्लिक द इंटरप्टेड फाइल देन चूज प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आपको इंटरप्टेड फाइल को यहाँ पे इंक्रिप्टेड फाइल को चूज करना है। उसके बाद आपको जाना है कहाँ प्रॉपर्टीज में, जो भी आपका फाइल इंक्रिप्टेड है उसको आपको चूज करना है। और उसके बाद कहाँ जाना है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में जाना है। और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए ओपन द प्रीवियस वर्जन टैब, जो भी प्रीवियस वर्जन टैब है यहाँ देखिए ये आपको यहाँ पे जनरल वाला खुलेगा। तो आपको यहाँ पे स्लाइड करके प्रीवियस वर्जन में जाना है। और जैसे ही आप प्रीवियस वर्जन में जाएंगे दोस्तों, तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सेलेक्ट द लेटेस्ट वर्जन एंड क्लिक कॉपी। यहाँ देखिए जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन वाला है तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और वहाँ पे आपको रिस्टोर के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप क्या कर पाएंगे कि आपका जो भी फाइल है, जो भी आपका फाइल है, तो वो प्रीवियस वर्जन से वो आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप जो है ये जो है रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है, अपना डाटा। और उसके नीचे यहाँ आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, हाउ टू प्रिवेंट द सिस्टम फ्रॉम रैंसमवेयर, रैंसमवेयर से अपने सिस्टम को कैसे जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइम जो है मैं ज़्यादा ही ले चुका हूँ आपका, ठीक है, इसीलिए मैं इसको पढ़ के आपका समय जो है मैं बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं ये देखिए कर्सर साइड कर देता हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वर्ल्ड इज टेक को भी आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड वंदे मातरम।